नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटेन टुडे। मैं हूं राकेश, स्वागत है आपका देश प्रदेश में। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए चौथे टेस्ट में एक पारी और 25 रन से शिकस्त दे दी। चौथा टेस्ट शनिवार को तीसरे दिन ही समाप्त हो गया। इसी के साथ इंडिया ने चार टेस्ट की सीरीज 3-1 से जीत ली। अब टीम इंडिया आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। उसका खिताबी मुकाबला 18 जून को लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड से होगा। चौथे टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 रन बनाए थे। इसके जवाब में टीम इंडिया ने ऋषभ पंत के 101 और वाशिंगटन सुंदर के नाबाद 96 रन की मदद से 365 रन बनाए। साथ ही पहली पारी में 160 रन की बढ़त ली। इस लीड को इंग्लिश टीम उतार नहीं सकी और मैच के तीसरे दिन ही 135 रन पर सिमट गई। मैच में अक्षर पटेल ने 9 विकेट और रविचंद्रन अश्विन ने 8 विकेट लिए। पंत प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। टीम इंडिया को सीरीज जिताने में रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के साथ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल की अहम भूमिका रही। रोहित सीरीज में सबसे ज्यादा 345 रन बनाने वाले भारतीय रहे। दूसरे नंबर पर पंत ने 270 रन बनाए। रोहित ने 161 रन और पंत ने 101 रन की शतकीय पारी भी खेली। तमिलनाडु में सीट बंटवारे को लेकर कई दौर की बातचीत के बाद सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक ने 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने सहयोगी भाजपा को 20 सीटें और कन्याकुमारी लोकसभा सीट आवंटित किया है। अन्नाद्रमुक ने चुनाव के लिए शुक्रवार को अपने 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के बाद भाजपा के साथ देर रात चुनावी समझौते को अंतिम रूप दिया। अन्नाद्रमुक ने एक विज्ञप्ति में भाजपा के उम्मीदवारों का चुनाव में पूर्ण समर्थन का संकल्प जताया। इस संबंध में सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से ओ पनीर सेल्वम और के पलानी स्वामी तथा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सी टी रवि और प्रदेश इकाई के प्रमुख एल मुर्गुन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। कुछ दिन पहले अन्नाद्रमुक ने पटल मक्कल काची पीएमके के साथ सीटों के तालमेल को लेकर समझौता किया था और उसे 23 सीटें दी थी। अन्नाद्रमुक राज्य में 234 विधानसभा सीटों में से कम 170 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसमें 134 ऐसी सीटें भी हैं जिस पर पार्टी ने 2016 के चुनाव में जीत हासिल की थी। भाजपा के शीर्ष नेता अमित शाह और अन्नाद्रमुक के पलानी स्वामी और पनीर सेल्वम के बीच शुरू हुई वार्ता को रवि और तमिलनाडु के लिए चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी ने आगे बढ़ाया। भाजपा की नज़र तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्से के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों पर है जिसे अन्नाद्रमुक का मजबूत गढ़ माना जाता है और कुछ क्षेत्रों में भगवा पार्टी का भी प्रभाव है। शाह ने हाल में तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा किया था और जनसभाओं को संबोधित किया था। वो 7 मार्च को कन्याकुमारी का दौरा करने वाले हैं और एक रोड शो करेंगे। कन्याकुमारी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस नेता एच वसंत कुमार का पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार को करारा झटका लगा है। टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद और ममता बनर्जी के करीबी दिनेश त्रिवेदी ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया। त्रिवेदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। त्रिवेदी को ममता का बेहद करीबी नेता माना जाता है। उन्होंने 12 फरवरी को बजट सत्र के दौरान खुद के इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। वह पिछले 2 महीने से तृणमूल कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रहे थे। टीएमसी ने त्रिवेदी के फैसले को पार्टी और जनता के साथ विश्वासघात बताया था। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया है। राज्य की जनता तरक्की चाहती है, वो हिंसा और भ्रष्टाचार नहीं चाहती। राजनीति कोई खेला नहीं होता, ये एक गंभीर चीज है। खेलते खेलते वो आदर्श भूल गई है। वहीं नड्डा ने कहा कि जब मैं त्रिवेदी की बात करता था तो मैं हमेशा कहता था कि वे एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन गलत पार्टी में है। इसे वे खुद भी महसूस करते थे। अब सही व्यक्ति सही पार्टी में है, जहां हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका उपयोग देश की सेवा में कर सकेंगे। पंजाब के लुधियाना जिले में शनिवार को दिल दहला देने वाली वारदात अंजाम दी गई।
जमालपुर एरिया में सिरफिरे आशिक ने महिला के दो बच्चों की गला तेज कर हत्या कर दी और फिर खुद भी फंदे पर झूल गया। वारदात का खुलासा तब हुआ जब एक पर हमला होने से दूसरा बच्चा चिल्लाया। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर मां दौड़ी आई तो मंजर देखकर बेहोश हो गई। पड़ोसियों ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। यह वारदात एक तरफा प्यार में अंजाम दी गई है। मृतकों की पहचान रजनीश 8 वर्षीय, मनीष 5 वर्षीय और शैलेंद्र के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शैलेंद्र अपनी पड़ोसन मीनू तिवारी के पीछे पड़ा था। कहता था कि वह उससे प्यार करता है। मीनू उससे 1 साल से परेशान थी। उसे शैलेंद्र की अनदेखी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझा। मीनू के पति शंकर तिवारी ने शैलेंद्र की शिकायत भी की थी। इस वजह से मकान मालिक ने उसे कमरा खाली कराने की धमकी भी दी थी। इन सभी बातों के कारण शैलेंद्र रंजिश रख रहा था। रंजिशन उसने बच्चों की हत्या कर दी और खुदकुशी कर ली। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस मामले की जांच चल रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मृतकों के पिता शंकर तिवारी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। किसान आंदोलन का शनिवार को 101वां दिन है। कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसान शनिवार को हरियाणा में KMP KGP एक्सप्रेस वे 11 से 4 बजे तक जाम रखा। इस दौरान जरूरी सेवाओं के वाहनों को नहीं रोका गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह जाम लगाया गया था। एक्सप्रेस वे पर बैठे किसान ढोल मंजीरा लिए गाते बजाते रहे। जिले में रोड जाम करने की संभावना के मद्देनजर ट्रैफिक डायवर्जन की भी अलग से व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा 8 स्थानों पर नेशनल हाईवे पर गदपुरी बॉर्डर, दुधारा मोड़, करमन बॉर्डर, बाबरी मोड़ होडल, असाउटा मोड़, आगरा चौक एवं KGP जलहाका व KMP पर नूह बॉर्डर पर नाके लगाए गए थे। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता और MSP पर कानून नहीं बन जाता तब तक किसान आंदोलन जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 467 नए केस आए हैं। इंदौर में 173 और भोपाल में 104 नए मरीज मिलने से सरकार की चिंताएं बढ़ गई है। इसके बाद से नाइट कर्फ्यू लगाने की अटकलें तेज हो गई है। एक महीने पहले 1 फरवरी को 151 नए केस आए थे। बीते 4 दिनों से 400 से ज्यादा केस आ रहे हैं। इसे देखते हुए जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कम से कम इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाने पर निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि CM ने पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर भोपाल इंदौर में पॉजिटिव की संख्या बढ़ती है तो नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। हर दिन आंकड़े अब तेजी से बढ़ रहे हैं। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। S10 टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।